मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुंबई के धरावी में रहने वाले 26 साल के विमल राज नादर जो कबड्डी खिलाड़ी थे, शुक्रवार की शाम में पीट पीट कर इनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हॉकी और धारदार हथियार इस्तेमाल किया हमलावरों ने और इन्हें मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे इस पूरे इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो के कार शेड के लिए पेड़ों के काटे जाने पर वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को यहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि आईपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी करना शुरू कर दिया गया है और इसके तहत गोरेगांव के पश्चिम उपनगर में धरना स्थल पर अवैध रूप से इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। मुंबई के जुहू बीच पे कई टारबॉल और जेली फिश के बहकर आने की खबर सामने आने के बाद लाइफगार्ड ने लोगों से तट से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक जेली फिश के डंक वो दर्दनाक हो सकता है और टारबॉल के संपर्क में आने से भी बचे ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 62 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से 24 जुलाई तक कुल आंकड़े 166,132 नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें से 62 नमूने H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है। मुंबई के मीरा भयंदर में चलती हुई कार में अचानक आग लग गई और चंद मिनटों में आग कार की लपटों से घिर गई। अच्छी बात ये रही कि कार सवार 2 लोग आग लगते ही कार से बाहर आ गए और उनकी जान बच गई, मगर कार आग लगने की वजह से पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।